सही फॉर्मल रहना है क्या? ये गाली नहीं दी नहीं, नहीं, नहीं भाई पागल हो, इतना भी नहीं, कॉल से देखेंगे इंटरव्यू। ओके तब तो फिर बंद रखो। ठीक ठीक 1 2 3। मैं शाश्वत आनंद, ये क्या कक्षा 12 D D D होगा ना, 12 D का छात्र है ना यहाँ पे स्कूल स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ जागरण पब्लिक स्कूल। हाय, मेरा नाम पवित्र सिंह है, 12th है, आप जानते हैं मुझे, आज इस साल की हेड गर्ल, आज की नहीं इस साल की हेड गर्ल। मेरा नाम प्रणव है, मैं कक्षा 12A का छात्र हूँ और मैं यहाँ पे आप सभी को संशोधन देने आया हूँ। और फिर बाकी देखिए पढ़ाई लिखाई तो करी है, लेकिन स्कूल में मस्ती बहुत करी है, काफी चीजें करी है। I know how to tackle the pressure of the situation, so I'm gonna do that, and I know I will succeed in doing that and score well in my board examinations. बोर्ड के प्रेशर की वजह से ना स्कूल लाइफ एंजॉय हो पा रही है और ना ही अच्छे से जा पा रहे ना 11th वालों ने ढंग की विदाई दी। कभी दोस्त नहीं थे मेरे, 12th ही वाले जो बने आए। All my friends are toxic, all ambition is so rude and always कुछ नहीं, बहुत ज्यादा ओवरवेल हो रहा है, पर चला तो सोने का ही सोच के कि आज आखिरी बार जाना है, बाकी बोर्ड से कैसे लेंगे, इतना प्रेशर नहीं है क्योंकि 10th बन गई नहीं तो पता नहीं कैसे। थोड़ा सा डर लग रहा है बोर्ड के लिए, पर डर लगना भी चाहिए क्योंकि पता नंबर नहीं आने वाले, पर नंबर चाहिए भी किसको क्योंकि इंटरेस्ट निकाला तो फिर से देख नहीं रहा हूँ, बाकी सब मजे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंदर से ना ये वाली फील आ रही है, एक दो साल और रख लो सर प्लीज, मन नहीं कर रहा जाने का यहाँ से, बट वो आप डिपेंड करता है, आप मत पढ़िए वो तो भाई, फिर कोई सेंस ही नहीं था ऐसे, तो ऐसे तो मैं बैठा रहा हूँ ऐसे यही उम्र पर। यार एक तरफ तो बड़ी खुशी है कि जा रहे हैं फाइनली खत्म, सुबह नहीं उठना पड़ेगा, पर दूसरा है कि बुरा तो लग रहा है क्योंकि इस टाइम पे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ बस ये सोच रहा हूँ कि इस जगह पे मेरे को इतना समय हो गया, इतनी सारी यादें बनाई है मैंने, मेरा बचपन यहाँ पूरा गुजरा है, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और आज इस जगह को छोड़ना चाह रहा है तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कैसे छूटेगा ये, बस कैसे जाएगा पीछे। फीलिंग देखिए ऐसी है कि हम तो एक साल हो गया मैं 12वीं में, 12वीं कक्षा कुछ ऐसी है कि क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि 12वीं कक्षा के बाद बोर्ड्स आने वाले होते हैं तो शुरुआत से पढ़ाई चालू हो जाती है, मगर होता क्या है बीच में आप लोगों की कंसिस्टेंसी टूट जाती है, बट ये कंसिस्टेंसी आपकी बनती है जब आपके बोर्ड की मार्कशीट डेट शीट आती है, ठीक है।
डेट शीट आने के बाद ये जो मार्क आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ही हाई लेवल पे चली जाती है। Can we skip to the good part? तो आप समझ गए होंगे थोड़ा टाइट शेड्यूल है बट मैनेजेबल रहेगा। Actually, I would say I would wish everything, teachers, students, the staff, all of my friends and all the memories which I have made in last 4 years from class 9. And that was amazing 4 years of my life. I'm never gonna forget all those things. Never. Sahi batao? Kuch nahi. Ab nahi yaad rahega, bhul jaunga. Vidyalay ke bare mein nahi yaad rahega, dosto ke bare mein yaad rahega. Honest enough. हाँ ये याद रहेगा, ये लखनऊ में यहाँ की जगह। आई मिस अबाउट द स्कूल, मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मेरे दोस्त, जो कुछ अच्छे दोस्त बचे मेरे, और टीचर्स ऑब्वियसली, और मेरे स्कूल का ग्राउंड, क्योंकि मेरे स्कूल में ग्राउंड बहुत अच्छा है, हमेशा मैंने बंक वहीं पे किया है, और जूनियर्स भी मेरे बड़े अच्छे थे, तो वैसे नहीं बोल सकता। अरे इसको तो मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही हूं। बहुत ज्यादा मिस करेंगे। जो काम को लेके हम लोग बंकिंग मारते थे, जाके खाने लगते थे टीचर्स से, कह देते थे हमको फंड दे दीजिए, तो हम टेक शॉप पे जाके उनकी तरफ से पार्टी ले लेते थे। ये कबूतर। मैं कहूँगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ही है, बिकॉज देखिए पढ़ाई तो हर जगह होती है, जो एक स्कूल को बाकी स्कूलों से अलग बनाता है वो उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, वो अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करता है, कितने चांसेस उनको मिलते हैं उस मामले में, क्या उनको वो मौका दे रहा है कहीं बाहर जाके अपने स्कूल को या अपने स्कूल की तरफ से उनको रिप्रेजेंट करने का, अगर दे रहा है तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट डालता है। एंड मैं चाहूँगा, मतलब मेनली बस यही चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा। मिस करेंगे एक्चुअली दोस्तों का साथ यार, इसके बाद हम लोग अलग हो जाएंगे, सब लोग सेपरेट, पता नहीं कौन कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, लेकिन सच में दोस्तों का साथ बहुत मिस आया। मोमेंट्स तो ऐसे कई हैं, अब चाहे वो केमिस्ट्री क्लास है पीछे बैठ के हम सो रहे हैं, फिजिक्स लैब में गए सर बोल रहे हैं सुरभोज का साथ नहीं खेलना है, वोल्टेज ढंग से रखनी, ज़्यादा नहीं करनी, हम वही करेंगे जो तो हमें मना किया गया है वो करने के लिए। और जो क्लास की मेमोरीज हैं, करेक्ट वर्ड आप समझने में क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ये याद है कि जब मैं पहले दिन स्कूल आया था तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्लास में कैसे जाओ, अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ के जाओ, मैं बहुत रो रहा था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट मेरी सबसे पहली टीचर थी, उन्होंने मुझे काफ़ी कंफर्टेबल किया और उनकी वजह से फिर मैं स्कूल अटेंड करना स्टार्ट कर पाया। मुझे अभी भी याद है कि लाइक मैं उनकी चेयर पर किसी और टीचर को बैठने नहीं देता था, तो ये मेरी बचपन की याद है। तो मैं बताता हूँ, जब मैं पहले दिन स्कूल में आया वो भी एडमिशन का टेस्ट दिया, ठीक है, वही था कि मैं 6 साल का था, छोटा सा बच्चा, और यहाँ पे जब उस समय क्या होता था, जब आपका एडमिशन होने वाला होता था, ठीक है, तो आपके टेस्ट पे जो है ना फाइल आपको मिलती थी, जिसका मतलब स्टार्टिंग में आपको नेम और पेरेंट्स के साथ लिखना पड़ता था, हमें घर से तो भेजा गया था कहकर कि आप नाम क्या कि मिस्टर में से लिखना रहता है, नाम की स्पेलिंग भी आती थी, और वहाँ पहुँचे फाइल देखी नाम लिखना शुरू किया, याद आ रहा है हाँ मिस्टर लिखते हैं, लेकिन मिस्टर लिखते कैसे हैं, और हम लिटरली आधे घंटे वहाँ पे बैठे थे फाइल का फ्रंट पेज लेके कि हमें मिस्टर मिसेज नहीं लिखना आ रहा है, तो मैम आके बोलती है कि बेटा अंदर तो लिखना शुरू कर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्गेटेबल है, छोटे तो में काफ़ी प्यार हुआ। 8th क्लास काफ़ी मतलब काफ़ी परेशान करा था टीचर्स को, मतलब प्राउड होने की बात नहीं है बट हाँ काफ़ी करा था, इतने कि सेक्शन अलग अलग कर दिए थे सबके, बैठ के टीचर्स ने बताया था कि सबके बैठ के अलग अलग सेक्शन अलग किए थे, कोई भी एक दोस्त साथ में ना आ जाए, तो और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। फर्स्ट मोमेंट था 2018 में जो जी ओ बी का फर्स्ट सीजन था उसमें मैं हर्ष सचिन हमने पार्टिसिपेट किया, और हम लोगों ने किया कि ठीक है इन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, पता नहीं वो फ्लूक था या हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अच्छा कर दिया, वी केम फर्स्ट, तो वो एक टाइप से कह सकते हो। हाँ यार ये काफ़ी सीक्रेटिव मोमेंट था हम लोग का, हम लोग वाटर कूलर पे थे
बात कुछ ऐसे ही चल रही थी क्योंकि हम CS वाले हैं, मैं TS के आप जानते ही होंगे एंड सूर्यांश द एस ऑफ CS, ठीक है। तो हम लोग थे, तो हम लोग ऐसे कोई CS की नॉर्मल बात करेंगे तो हम लोग को उन्मुख बोलना था, उसकी जगह सूर्यांश बोल गया उमेश, तो वो काफ़ी लिंकेज हो गया हमारा कॉल सर और उनसे लेके कि उमेश एंड लाइक ऑल, जो समझ पा रहा है वो समझदार को इशारा काफ़ी है। हाँ एक याद है, हम लोग एक दिन के लिए सस्पेंड हुए थे, वो याद है क्या हुआ था। हम लोग शाम को बेसिकली हम लोग की रिमीडियल होती है, रिमीडियल से पहले हम लोग तकिया फाइट खेल रहे थे, एक दूसरे में मार रहे थे, ये कर रहे थे, और नीरज सर थे हमारे जो मैथ्स पढ़ाते हैं बच्चों को, वो आए थे और हम लोग सस्पेंड हुए थे, और सस्पेंड होने के बाद फिर हम लोग का गेम्स कैंसिल हुआ था, हम लोग फिर भी छुप के गेम्स आए थे, और उसके बाद फिर जब ये चीज़ देखी गई थी तो हम लोग को कॉपी में 1000 बार दिखवाया गया था कि यू विल फॉलो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्कूल, और फिर उसके बाद फिर हम लोग को सस्पेंड किया गया था, और उसके बाद भी हम लोग को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। उसके बाद एक दिन और सस्पेंड करे थे जिसमें हम लोग का एग्जाम था, जिसमें मैं लाया था 3 नंबर। नॉस्टैल्जिक वाइब्स, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो गई और काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज यहाँ से क्योंकि तो काफ़ी अच्छा लगे। उस टाइम पे तो हमारी फीलिंग देखिए मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ तो भूल ही चुका हूँगा, बट होता नहीं कि यहाँ चलो आ रहे हैं तो एक ऐसे बोला जाएगा कि हाँ उस टाइम पे यहाँ पे ये किया करते थे, जैसे क्लास रिविजिट कर रहे हैं, हाँ यार यहाँ पे जैसे एनिमे पोस्टर्स हमने लगाए हैं, रहता है कि एक भाई याद रह जाती है कि हाँ ये सब चीज़ें हम लोग बाद में नहीं कर सकते थे, स्कूल में हम लोगों ने किया था कि हम लोगों को टीचर ने बोला ग्रीन बोर्ड भरने के लिए तो हमने एनिमे पोस्टर से भर दिया, मांगल के पैनल्स लगा दिए हैं, तो ये सब चीज़ें करने में काफ़ी मज़ा आता था, हार्मलेस से जो मजाक होते थे। That would really be amazing visiting our school where we have made so much memories. When we will come back to that same place, we'll visit the classes, we'll have all those memories roaming around in our minds and then we'll catch up all those memories. यार पहले तो देखेंगे ना कि कहाँ पे हैं, फिर आइए वो बात होती है आने की, बट हाँ अगर आते हैं हम लोग तो ये चलिए ठीक। महिलाओं का दिमाग पुरुषों की अपेक्षा में औसतन 10% छोटा होता है। अगर आते हैं तो यार यही लगेगा कि पहले कैसे थे हम सब लोग, इतने और छोटे, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी भी छोटी रहेंगी। ये बच्चा अगले साल तुम्हें फेयरवेल नहीं मिलेगा, बता के जाएंगे टेंथ वालों ऐसे कुछ नहीं, तो अच्छा ही लगेगा यार कि सब लोग बड़े हो गए, अब कहाँ पे हैं ये वो, कैसे ग्रो हो गया, बस नॉस्टैल्जिया एक वर्ड में कह सकते हैं लिटरली। पास फिर हम लोग मिलेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग बंक करें, कहाँ कहाँ हम लोग छुपते थे, और ये सारी चीज़ें यार एक तो मैच भी करेंगे अगर पॉसिबल हो पाए, अगर हम लोग मैचेस किए जा रहे हैं सब लोग जिनके साथ खेले हैं। जैसे खुरेज वुरेज के भी नहीं जा रही हूँ कि उतना नाम के साथ सलाह वाला के देखूंगी, बट अब आइडिया दिया तो मैं कर दूंगी। लेकिन जो मेरे फेवरेट जूनियर है वो है शाश्वत जो है हमारे यूनिवर्स के मेरे जूनियर थे, वो मेरा फेवरेट जूनियर साथ जब मैं PCBN गया था साल इसी साल जब आपके साथ वीडियोस बने थे 11th क्लास चैप्टर नाम जानने के लिए बोला ये बेस्ट मोमेंट कानपुर में PCBN में सी स्क्वायर इवेंट था, वहाँ गए थे स्कूल ट्रिप, ये बेस्ट इवेंट थे। एंड जीओ भी वो था बेस्ट। PCBN में ऐसा क्या हुआ जो PCBN के हॉल में हम लोग बैठे थे जो मेन हॉल था, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे 11th के और 2 12th के स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे जैसे जो कन्वर्सेशन हो रही थी इन्जॉय कर रहे थे वो मोस्टली, जब पूरे टाइम इन्जॉय करते हुए गए थे, इन्जॉय करते हुए वापस आए थे, था कॉम्पिटिशन बट हमने एकदम एंजॉयमेंट की तरह लिया था, और ऐसा नहीं हम कुछ नहीं करके आए थे, खाली हाथ आए थे, ऑलमोस्ट सब जीत के आए थे एक्सेप्ट वन ट्रिपल स्ट्रीक, नो ऑफेंस मेंट। कौन कहाँ गया वो दो थे भाई उदित बेस्ट मोमेंट इज रोबो वॉर वन द बेस्ट भाई, सबसे बेस्ट था एक वो था एक एलेक्सेंडर जूनियर बहुत है ना इंटरव्यूअर हमारे आईटी स्टाफ भी हमारे साथ पूरे टाइम था, हमने नाइट आउट भी किया था साथ से। तो देखो ये हो गया आज रियल जागरण, आउट देखो देख लो भाई देखो नाइट आउट देखो देख लो तुम नाइट आउट तो है।
बेस्ट मोमेंट ऑफ जूनियर्स एग्जाम जब हमारा पूरा प्लानिंग चल रहा था तो वो प्लानिंग कम हम तबाही की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे थे। जूनियर के साथ सबसे बेस्ट मोमेंट जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, मुझे नहीं पता, आप इनकी फ़ोटो वगैरह देख यहाँ एक बार देख लीजिए। मुझे नहीं पता कि इनके पास कहाँ से मेरी कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ और इन्फॉर्मेशन आ जा रही है। बंदे ने मुझे 3 दिन पहले मेरे 10 साल पुराने स्कूल का नाम भेज दिया, पता नहीं कहाँ से, यही सब छोटी। और फिर हमारे यहाँ एक उदित अग्रवाल नाम के एक हमारे जूनियर हैं, उनकी एक स्टोरी थी, वो काफ़ी अच्छी थी, वो सुनने में काफ़ी अच्छा लगा था। आगे तो यही सब रहता। आपका कोई अगला प्रश्न? बीटबॉक्सिंग और पब्लिक स्पीकिंग होने की वजह से I guess मेरे गुड लुक्स की वजह से। मैं खुद को अगर देती लाइक किसी भी उसमें टाइटल सरोजनी नायडू ऐसा मुझे तो कोई नहीं पता, सामने से मैं पवित्रा ही बुलाते हैं, वरना मेरा नाम हिडम्बा रखा था इन लोगों ने। नाटू था मेरा निकनेम था, नाटू क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी, तो पहले मेरा निकनेम नाटू था, फिर मेरी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अब वो मेरा निकनेम है। काफी लोगों ने मीकू बोल दिया क्योंकि वो बहुत वियर्ड लगता है। शस्मिता से मीकू बोलते हैं, वो शस्मिता आई सी पोलर भालू पोलर बियर भालू तो ऐसे कई थे महान महानों ने दिए थे कुछ। आपने कभी स्कूल में बंक मारा है? जी बहुत मारा है, रोज मारता है। बहुत बार मारा है जी, बहुत बार मारा है। मैंने बार लगाया है, मेरे से ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, मैंने बार लगाया है। सर्टिफाइड वंस हमने किया, टीचर से परमिशन लेके, टीचर खुद कहता था बेटा जो ये काम कर दो और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बोलना नहीं यहां पे हमने कई जगहों में किया है, ऑलमोस्ट हम वॉशरूम में आराम से कर लेते हैं, मतलब लिटरली यहां वॉशरूम में बैठे रहो, कौन ही देखने आएगा वाला होता। मास्क जरूरी है ना वॉशरूम का, मास्क पहन के जाना पड़ता है। बेस्ट लोकेशन बंक करने के लिए टीचर की परमिशन के साथ फिजिक्स लैब में परमिशन लेके फिजिक्स लैब जाओ, बाकी स्ट्रीम वाले ग्राउंड के अलावा कुछ और भी है तुम लोगों के पास? ग्राउंड में वो वाली जगह अच्छी है, बहुत सारी जगह है और वो बसेस खड़ी होती है। अच्छा पहले जो उसके आते हैं जब कोई टीचर आपको बोला कि वहाँ जा रहा था उधर से टीचर आपके जाए तो नहीं वेरी इंफॉर्मेटिव काफी अच्छा है टीचर ने तो बोला है कि मैं कैंटीन वाले अंकल के पास जाऊँगा, उन्होंने अंकल पेपर्स दे दो प्लीज। पेपर्स वहाँ के, पेपर्स वहाँ के, पेपर्स वहाँ के, दुकान के, दुकान के, तो दुकान चाहिए पूरी, थोड़े बहुत से मन नहीं भरेगा हमारा। तो फिर उसके बाद ये करने के लिए स्कोप है, पायलट बनेंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ 5:00 के लिए आपको कैंटीन से कुछ भी लूटने के लिए मिल जाए इतने में तो बच्चा मेरा पैर उतने में यहाँ तक जाएगा। मिनट मिनट अच्छा ओके मिनट अगेन ठीक है चलो ठीक है चलिए 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 सारी कोल्ड ड्रिंक्स सारे चिप्स सारे कुरकुरे और अंकल की जो तिजोरी है वो क्या आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ कैरी कर पाएंगे? कर लेंगे यार, पॉलीथिन में लेके जाऊंगा ना, हाथ में थोड़ी लग जाओ तिजोरी। अरे बस बस पहले तिजोरी बस कैंडी में होता क्या यही बता नाइस जवाब।
फ्लैश ये सब काम नहीं करता। मैंने 11th में क्वेश्चन पेपर निकाल दिया था, क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट होने से पहले एग्जामिनेशन हॉल से ही मैं कह रहा हूँ। स्वागत है ललन टापू जागरण के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं जागरण के हेड बॉय, जागरण के रिची रिच, जागरण की अपनी सस्ती है बिडे लोन, और हमारे ठीक है ठीक है आदित्य योगीनाथ। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। आप सब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, तो स्कूल से जाते वक्त कुछ ना कुछ यादें रह जाती हैं आपके पीछे, कुछ अपनी बहुत मतलब एकदम जो दिल के बहुत करीब यादें हैं, जो मान लो थोड़ा बहुत हो गया, दिव्या मैम से पिटाई हो गई, कॉल सर से थोड़ी सी डांट हो गया, रोजी होता रहता है, तो कुछ शेयर करिए आपने। पहली बार तो मैं दिव्या मैम से कभी मार नहीं खाया। मेरे को दिव्या मैम ने हक करा था 9th क्लास में, चॉकलेट भी दी थी। और नहीं, ये लोग दिव्याम से डरते हैं इतना, आज तक हमको भी कभी दिव्याम से मार तो नहीं पड़ी, मारा कभी नहीं उन्हें, बस बोल दिया है। मारने वाला तो बात ठीक है, आप सच बोल रहे हैं, बाकी बात झूठ की बोल रहे हैं, झूठ तो अच्छा डांट तो आती नहीं पड़ी। मान लीजिए अगर आप कई साल बाद ऐसा होता है कि इत्तेफाक बनता है, आप स्कूल में आते हैं, वो तो बनेगा बनेगा, चलिए बनेगा, बहुत हमें आशाएं हैं बनेगा, और मैं ना रहूं तब टाइम लगेगा उसमें। तो आप आते हैं तो आप कौन सा ऐसा एक पल होगा जो वापस जीना चाहिए? म्यूजिक रूम जाएंगे इंशाल्लाह, बैंड दोबारा क्या नहीं है, वापस एडमिशन थोड़ी होगा। वापस आओगे एलुमनाई की तरह आओगे, वहां से एंटर करोगे, उसके बाद क्या पल क्या होता है भाई, परफॉर्म करने का मौका। हां वापस एक बार परफॉर्म करने का एक मौका मिलने में एक बार, बस मतलब बुला के असेंबली में वो शक्ति भी बजा दो, वो भी हमको प्रेयर भी बजा देंगे, प्रेयर तक बजा देंगे हम तो, मतलब इतना है। संगीत के संदर्भ में कुछ भी हो हम वापस से मतलब आके करने को तैयार। तो आपके जूनियर्स के साथ जी आपका बेस्ट मोमेंट, आप सभी का पर्टिकुलरली एक 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 बताएं। पहले आदित्य जी, पहले उनमें तो शाश्वत जी के साथ ही गुजरा है म्यूजिक रूम में सर, धन्यवाद। अरे हमारा नसीब था सर, अरे पैसे दे दीजिएगा बस वही सब है। मेरा भी शाश्वत के साथ है, लकी चार्म है एक तरह से, गया था ये मेरे साथ उधर माउंट कार्मल में, 15-20 अवार्ड लेकर आया था हम लोग माउंट कार्मल। आदित्यनाथ आप जवाब दीजिए। मेरा भी वही है, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाते सबसे बेहतरीन शाश्वत, और सबसे बेहतरीन जूनियर के साथ हम बता रहे हैं आपको, हम लोग ने एक मूवी बनाई थी इनके साथ, वो मूवी का कंटेंट हम आपको नहीं बताएंगे अभी, तो नहीं थोड़ा टाइटल दे देते ना, सिंघानिया की मौत। चलिए आप अपना एक मोमेंट, एक मोमेंट शेयर करिए। मैंने इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस में जाते थे पूरे पूरे, नहीं मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम शाश्वत का नाम मैंने लिया था, फिर से मैं शाश्वत का नाम लेती, शाश्वत मेरे को माउंट कार्मल गया था, बेचारे को बुखार आ गया था। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ब्लॉग भी बनाया था, ब्लॉग भी बनाया था। वेलकम टू माय ब्लॉग, क्या वेलकम, हेलो गाइस, वेलकम टू माय, अपनी दवाएं दी थी, हां वेलकम बैक टू माउंट कार्मल। कुछ यादें जो वैसे पल थे जो आप वापस गुजारना चाहेंगे बचपन के दौरान, छोटे बचपन में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे जेपीएस में होता है जिसको फुलवारी कहते हैं, बहुत बेहतरीन एक कार्यक्रम होता है, अगर वो फुलवारी कहते हैं दोबारा अगर करवाओ हम तो करने को तैयार हैं, अगर वो चीज दोबारा हो सके हम बिल्कुल करेंगे, रेड शर्ट बस जहाँ पे आप हम लोग से बात कर रहे हैं बस यहीं पे, यही फुलवारी का ये है स्टेज है, ये फुलवारी का मधुबन में देखा नहीं होगा, इतना बेहतरीन कार्यक्रम बच्चों का, बहुत बेहतरीन। आप अपना कुछ शेयर करना चाहेंगी बचपन, बचपने में ऐसी कोई, बचपन में ऐसी याद है, एक हमारी टीचर थी पहले स्कूल में, तो जब हम लोग आते थे वो सबको सुबह सबको हग करके ग्रीट करती थी, जैसे ही क्लास में घुसते सबसे पहले वो हग करती थी। हाँ ये मैं करना चाहूंगा अभी के टीचर से। सर आप अपना कुछ मतलब ये कट कर देना। हमारी तो वही थी जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे और रवि सर आते थे बुलाने की, आओ बेटा बंक, मैं बंक नहीं मतलब प्रैक्टिस,
नहीं मगर वो ओ ये मेमोरी है ये तो मेमोरी है ये तो मेमोरी। हम लोग शंकर हम चारों शंकर महादेवन एकेडमी के लिए सेलेक्ट हुए थे और हम लोग का ये वो था बैठ जा फ्रेम से बात अभी तो अब समय खत्म हो रहा है बिखरेंगे आप सब बिखरेंगे और जीवन के नए पदचिन्हों पे आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा तो क्या ऐसा लगता है क्या आप सब वापस एक बार आएंगे हम एक ही साथ जाएंगे जाना तो सबको हम सब कहते हैं हम मिलने आएंगे। हमने तो अभी आपको बता दिया ना कि हम तो वापस आके वही बैंड दोबारा करना चाहते हैं। अरे ये बोला आगे कहाँ जाओगे फ्यूचर में अलग हो जाओगे अलग हो जाएंगे अलग कॉलेज तुम अलग मैं अलग ये अलग तो यही बताया कि हम दोनों तो एक ही जा रहे हैं ये और ये इनका भी है कि शायद ये एक आ जाए इनका थोड़ा देखना पड़ेगा कॉमर्स वाले है ना। बाय बाय मेरी बात मानो इसका अकेले काटो सबका ले लो इसका अकेले का कोई नहीं देखेगा और क्या अकेले का वो कोई नहीं उतना बड़ा पॉपुलर सेलिब्रिटी नहीं होगा अच्छी नहीं है पूछ रहते हैं डीप थोड़ा सीरियस पूछ रहते हैं। अच्छा जैसे बोर्ड का आप के दरवाजे पे आ चुके हैं। अच्छा आगे गेट नहीं खोलूंगा मैं 1 घंटे बजाई नहीं है ना अभी तक मैं दरवाजे पे खड़े हूं शर्माता इंट्रोवर्ट चलो सवाल पूछ सवाल आंसर नहीं दे पाऊंगा इंट्रोवर्ट हूं ना। संगीत के संदर्भ में कुछ भी हो हम वापस से मतलब आके करने को तैयार हैं। लॉन्ग आंसर रिकॉर्ड कर बचपन का मुझे याद ही नहीं रहता दिक्कत ये है। कॉमर्स पीसीएम ह्यूमैनिटीज बट बायो वाला हमारे में कोई था नहीं है ना कुशल है कुशल है अनुज जैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इंट्रोड्यूस 3 साल चली गई थी तो 12 साल हो गए ये स्कूल मेरा कोई बीट बॉक्स करना चाहेंगे कोई स्किल जो आपने स्कूल में सीखी ऐसी कोई चीज़ जो आपने जो आपको स्कूल में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करी हो अभी नहीं अच्छा 11th अपनी दोबारा से करना चाहूँगा बिकॉज मेरी 11th क्योंकि आधी से 3 महीने हम लोग स्कूल आ पाए थे एंड ऑल्दो मेरा क्योंकि पूरा कोविड में 11th गया था तो मैं उतना पार्ट जो मिस कर गया मैंने अपना सक्सेसर चूज कर लिया है और सक्सेसर एक और बार हमारे अभ्युदय जी हैं यही मेरे बाद हमारी क्लोज फेडरेशन को संभालने वाले हैं हमारे क्लोज फेडरेशन से लेकर क्लोज इंकॉर्पोरेशन हर एक चीज के ट्रेडमार्क्स वगैरह मैं सभी को लेके जाने वाला हूँ। ऑल्दो क्लोज फेडरेशन काफ़ी पुरानी कंपनी है हमारे की और काफ़ी पुरानी कंट्री थी क्लोज इंकॉर्पोरेशन जो कि हमारी कंपनी है काफ़ी पुरानी है बट अभी है मतलब अभी थोड़ी स्पॉटलाइट में काफ़ी ज़्यादा आ गई है उसकी लेगेसी थोड़ी बन गई जो कि मैं चाहूंगा आप मेंटेन करके रखें आगे।